हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर UPSSC जूनियर असिस्टेंट के पेपर में किस तरह की जीके पूछी जाती है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जूनियर असिस्टेंट के पेपर में किस तरह की जीके पूछी जाती है। साथ में दोस्तों, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊँगा, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि पेपर में जीके कैसी पूछी जाती है और आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, तैयारी करने की रणनीति हमारे सफलता की कुंजी होती है। अगर हमारी रणनीति खराब हो गई तो यहाँ पर हमको सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप जैसे जानते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसलिए आपको सफलता उसी के अनुसार करनी चाहिए जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँगा कि पेपर कैसा आता है और आप तैयारी कैसे करें। दोस्तों, ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए आया था। मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा कि आपका जो जीके है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की द्योतक होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, धैर्य, आत्मविश्वास, रक्षात्मक रवैया या असुरक्षितता। तो दोस्तों, यहाँ पर छाती पर जो तिर्यक बाएँ होती हैं वो आपकी रक्षात्मक रवैया की प्रतीक होती हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपके UPSSC के पेपर में किस तरीके से जीके पूछी जाती है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। बीमार पड़ना, किसी सहकर्मी पर दोष लगाना, जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना, या गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व कर सकते हो, और लास्ट में आप ये जरूर बताना कि आपने 20 में से कितने का सही जवाब दिया। आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर स्थित की गई है। दोस्तों, UPSSC जूनियर असिस्टेंट के पेपर में जीके पूछी जाती है वो काफ़ी नॉर्मल जीके होती है, और मैं आपको उसकी तैयारी भी करवा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इन वीडियो को समझते जाओगे, याद करते जाओगे, तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको इस चैनल पर हिंदी, रीजनिंग, GK, मैथ सभी की इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर आप आराम सफलता प्राप्त कर सकें। मैंने यहाँ पर UP GK की भी वीडियो स्टार्ट कर दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। आपकी भूमिका या शीर्षक, आपकी पसंद और नापसंद, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग, या चौथा दे रखा है, आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। अब यहाँ पर आप जब किसी से मिलने जाते हो व्यावसायिक रूप से, तो उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, आपकी पसंद और नापसंद। आपसे ये नहीं पूछना चाहिए कि आपकी पसंद क्या है, आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि आपकी नापसंद क्या है। हम जब बिजनेस के सिलसिले से गए हैं तो सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए, अपने बिजनेस पर करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका ये चौथा क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये करेंट अफेयर से पूछा गया था, किस वॉशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार डाला गया था। ऑप्शन है दोस्तों, डैनियल पर्ल, खालिद अल मैना, जमाल खागोसी या चार्ल्स लेन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर है C, जमाल खागोगी। तो जमाल खागोगी ने वॉशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार डाला गया था, ये आपको भी याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा
उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है। तो पहली तो आपको पता है उर्दू है, और हमारी सेकंड भाषा क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो भाषा हैं, एक तो हिंदी है और एक हमारी सेकंड भाषा है उर्दू। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों भाषाओं में से एक भाषा है आपकी राजभाषा उर्दू और दूसरी हो जाएगी आपकी हिंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी आपके अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और मैं आपको इन सभी की तैयारी आराम से करा दूंगा। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों प्लासी की जो लड़ाई थी वो अंग्रेजों और सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लासी की जो लड़ाई थी अंग्रेजों सिराज उद दौला के बीच जो लड़ी गई थी वो किस सन में लड़ी गई थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत, आगे डैश दे रखा है, के बीच सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, या भारत और तिब्बत? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पिछली वीडियो बताया भी था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत और नेपाल। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये आपको याद रखना है, जो कि भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा, या ग्राम सेवा? तो दोस्तों 243 ब के जो अंतर्गत आपकी संस्था आती है वो आती है ग्राम सभा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 69 का जो आंसर होगा वो आपका पंचायत होगा, क्योंकि 243 ब के अंतर्गत पंचायत आपकी आती है न कि ग्राम सभा आती है, इसलिए ग्राम सभा इसका गलत आंसर होगा, आपका पंचायत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन है, पर क्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी क्वालिटी डाउन आई है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ वो आपको सुनते रहना है। पर क्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। ऑप्शन है विनिमय बिल, वचन पत्र, बैंक। सेकेंड है लदान बिल, विनिमय बिल, वचन पत्र। थर्ड है आपका वचन पत्र, हुड्डी या चेक। और चौथा है आपका वचन पत्र, लदान बिल या हुडी। ये आपको बताना है कि इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक। आपको याद रखना है, पर क्राम में लिखित अधिनियम, विनिमय बिल, वचन पत्र, चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा भारत में, जो है उत्तर प्रदेश। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी भाषा है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती है। मैं इसके आंसर का इंतजार करूँगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ी यहाँ पर लिखावट में और रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, रिपीट कर देता हूँ, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा नहीं है? C++, ऑब्जेक्टिव सी, सी हैज, या सी एट द रेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं,
निर्देश लाना क्या सीपीयू का काम है या नहीं, निर्देश की व्याख्या करना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना या डेटा प्रसंस्करण मतलब संसाधन करना। तो दोस्तों यहाँ पर सीपीयू द्वारा जो निष्कासित नहीं किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना सीपीयू द्वारा निष्कासित नहीं किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को फिर आगे डैश दे रखा है कि समानता का वचन देता है, अभिव्यक्ति और विश्वास का, हैसियत और अवसर का, विचार और अभिव्यक्ति का या अवसर और अभिव्यक्ति का। ये आपको बताना है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। अगला क्वेश्चन है रे टॉमलिंसन, ये आपको ध्यान समझना है पढ़ना है, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है, सबसे पहले ईमेल भेजने का, सबसे पहले कंप्यूटर के निर्माण का, कैलकुलेटर के आविष्कार का या इंटरनेट के विकास का। तो दोस्तों सबसे पहला ईमेल भेजने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका रे टॉमलिंसन, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन या उवैद मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपकी चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपका 77 क्वेश्चंस है, नाथूराम गौडसे के वे तीन भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे। अब यहाँ पे आपको नाथूराम गौडसे के वे तीन भाई का नाम बताना है जो कि आरएसएस के सदस्य थे। तो दोस्तों यहाँ पर नाथूराम गौडसे के जो भाई थे वो थे आपके दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथूराम गौडसे के जो तीन भाई थे जो कि आरएसएस से संबंधित थे, सदस्य थे, उनका नाम था गोविंद, गोपाल और दत्तात्रेय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है। अब आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा ऐसा भारतीय महिला बल्लेबाज है जो जिसका भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्मृति मंथान, स्मृति मंथान का जो भाई है वो जिला स्तर का क्रिकेटर है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ पर दिया था। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और मैंने आपको ये काफ़ी बार करा दिया है, गौतम बुद्ध का जो धर्म चक्र प्रवर्तन का सूत्र है वो कहाँ पर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। आपका लास्ट क्वेश्चन है, पांग्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बागडोगरा। बागडोगरा आपका पंक्याओं के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा था। तो इस तरीके दोस्तों आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आप यहां पर अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन अच्छी तरह हो सकता है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आप अपने रणनीति के अनुसार पढ़ाई करते हो। और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा जो कि आपकी सफलता में कुछ योगदान दे सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।